आपने अभी तक अपने धोनी भी शुरू नहीं किए। शिनचैन तुम कहाँ थे, तुम्हें जल्दी वापस आना चाहिए था। रहने दीजिए, आज कपड़े नहीं धुल पाएंगे मम। नहीं, अब तो मैंने वॉशिंग पाउडर भी खरीद लिया है। मैंने भी वॉशिंग पाउडर खरीदा है। हा? ये देखो, हम दोनों ने एक ही कंपनी का वॉशिंग पाउडर लिया है। हा? अच्छा, तो इसका मतलब तुम भी कपड़े धोने आई हो। पर तुम यहाँ थोड़ा जल्दी भी तो आ सकती थी। मुझे इसके बारे में नहीं पता था। अरे वाह, अब दोनों तो एक जैसे ही हो। ये कपड़े तो धुल गए। क्या धुल गए? अब आपकी बात। लेकिन अब तो कपड़े धोने में बहुत सारा वक्त लग जाएगा ना मॉम। हाँ, और अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। आपको मेरे लिए भी बनाना पड़ेगा। तुमने फैसला कर लिया, तुम हमारे घर पर ही खाना खाओगी। पर चलो पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। सुखाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए सुखाऊंगी नहीं। आज तो मेरे बस आधे कपड़े ही धुल पाए और मुझे वॉशिंग पाउडर भी खरीदना पड़ गया, और साथ ही मेरी बहन भी आ गई। अरे आप ऐसे मत कहिए दीदी, अभी तो घर पहुँच कर मुझे कपड़े भी सुखाने होंगे। हा? ये क्या? बारिश हो रही है, मुझे दिख रहा है। क्या मैं रात में आपके घर रुक सकती हूँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? हाँ, तुम्हारी जो मर्जी आए करो। अब रुक सकती है, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आज तो दिन ही खराब था। कौन है? हेलो, मैं आपको ये फूलों का गुलदस्ता देने आया हूँ। अरे वाह, इतने प्यारे फूल किसने भेजे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फूल मेरी तरफ से हैं। तुम तो? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। देखिए, मैं बहुत दिन से ये कहना चाहता था। क्या सच में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। का फोन है, कितनी बार कहा है कि काम के वक्त फोन मत किया करो। हेलो, बोलो। हेलो, अरे तुम हो हिमा वारी? हेलो, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। आप मेरा यकीन कीजिए, ये बात मैं आपसे बहुत दिनों से करना चाहता था, इसीलिए मैं फूल लेकर आया हूँ। ये टीवी शो तो वाकई बहुत अच्छा है। मिट्सी टीवी देख रही है और हिमा वाली फोन से खेल रही है। कल मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने उठाया नहीं। हेलो मिट्सी, सुनो जरा, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ हाँ, मुझे ये बात पहले से पता थी। अरे नहीं हिमा वाली, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो बेटा। क्या कल आप मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चल सकती हैं? आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया? लैंडलाइन पे करता हूँ। मसाओ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें मैंगो शेक पसंद है या बनाना शेक? नाम देखो, चिम्स नंबर आना ही था। ऑफिस में कह देता हूँ कि मुझे कोई काम है और मैं चुपचाप घर चला जाता हूँ अभी इसी वक्त। नोहारा सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कावागुची, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना, इतने सारे कस्टमर्स आए हुए हैं। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। मिस्टर साटो हमारे ऑफिस खुद चल कर आए हैं, वो हमारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं। मुझे मीटिंग से इतना डर क्यों लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं आज पूरी हिम्मत के साथ मीटिंग में बात करूंगा। क्यों, ठीक है ना नोहारा सर? आप ठीक तो है ना नोहारा सर? दरअसल बात ऐसी है कि हमारी कंपनी अपने खर्चों पर ध्यान दे रही है, आपकी कंपनी से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। देखिए सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन अफसोस मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। ये फैसला कंपनी के मालिक का है, इसलिए अब कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ बैठा नहीं रह सकता, मैं कह देता हूँ कि मेरे पेट में दर्द है
इसी वक्त चला जाता हूँ। मिर्ची टीवी देख रही है और हिमावरी मेरे फोन से खेल रही है। अगर हिमावरी ने फोन तोड़ दिया तो मुझे अगले 3 महीनों के पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, मेरा क्या होगा? तो रोज ऑफिस में कैसे आया जाया करूंगा? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए आप एक बार फिर सोच लीजिए, नोहरा सर कितने परेशान है। देखिए मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। पता था ये होने वाला है। ठीक नहीं है, मैं ये नहीं होने दूंगा कभी भी। अरे मिस्टर नोहरा आप शांत हो जाइए प्लीज। मिस्टर नोहरा आप कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कावागुची, कभी नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूँ वो वक्त जब मैंने पहली बार ये कंपनी ज्वाइन की थी बड़े शौक से। उसके बाद हम दोनों मिले थे और मुझे लगता था कि हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे पूरी जिंदगी, लेकिन ये नहीं हुआ। माफ करना नोहरा सर, बहुत परेशान है। कितने खुश हुआ करते थे हम लोग। अरे वक्त अच्छा हो या बुरा, हम हमेशा साथ में रहते थे एक दूसरे का सहारा बनकर। और आज आज अचानक से चीजें क्यों बदल गई है? आपकी बातों ने मुझमें हिम्मत जगा दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं कंपनी के मालिक से कहूंगा कि उन्होंने जो फैसला किया है वो बिल्कुल गलत है। आपका मतलब क्या है? मुझे विश्वास है वो मेरी बात जरूर मान जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारे सर आपका भी। मैं तो बहुत डर गया था, पर नोहरा सर आपने सब कुछ संभाल लिया। ठीक है, मैं ये बात जाकर डायरेक्टर को बताता हूँ। वो छुट्टियों में तुम मनाली जाओगे शिमला? लैंडलाइन अभी भी बिजी है, मोबाइल पे करता हूँ मिच्ची के। बहुत ही अच्छा सीरियल था, अब कल देखूंगी। हाँ मुझे तो मुसाई को फोन करना था। अरे मेरा फोन कहाँ गया? हाँ ये यहाँ क्यों है? ये जरूर हीमा बारी का ही काम है। हाँ। पर ये फोन बंद कैसे हो गया? अरे हैरी ने फोन किया था। हाँ, मिच्ची का फोन। हेलो मिच्ची। हाँ हैरी, आपने फोन किया था? अरे हाँ कई बार किया था, तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा था बार बार? माफ करना हैरी, मैंने नहीं हीमा बारी ने बंद किया था। अच्छा और लैंडलाइन फोन को क्या हो गया है? मैं घर पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा ही बोर हो रहा हूँ, तुम बताओ। अरे शिनचैन तुम इतनी देर से फोन पर बात कर रहे हो हैं? चलो बहुत हो गई बातें, अब जल्दी से फोन रख दो। मम छोड़िए ना, आप भी तो कब से टीवी ही देख रही थी, क्यों है ना? वो भी रोज की तरह। मुझे पता है मिच्ची रोज इसी तरह टीवी देखती है। हैरी कोई खास बात थी क्या? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसी बात करने का मन था। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो आज मैं जल्दी आ जाऊंगा वापस। ठीक है। नोहरा सर जल्दी जाइए, डायरेक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ये बताइए अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? अरे हाँ सब कुछ ठीक है, सब ठीक है।